हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार क्लासेस में। तो आज हम क्लास 9th चैप्टर 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, इज मैटर अराउंड अस प्योर, इसका आज हम नोट्स लेकर आए हैं। इसके अंदर जितने भी थ्योरी हैं और इसका क्वेश्चन आंसर है वो सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है। बस ये एक नोट्स वीडियो है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर चैप्टर में बात किया जाए तो मिक्सचर होता क्या है, और इससे पहले हम जान लेंगे कि हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, यानी कि चैप्टर में कह रहा है क्या शुद्ध है या नहीं, हमारे आसपास जो पदार्थ है वो किस तरह का पदार्थ है वो हमें जानना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे पदार्थ होते हैं लेकिन शुद्ध क्या है उसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है मिश्रण। मिश्रण होता क्या है, यानी इंग्लिश में बोला जाए तो मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है, मिश्रण वह पदार्थ है जो दो या अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में परस्पर मिला देने से बनता है और इसके अवयवों को सरल यांत्रिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है, मिश्रण कहलाता है, जैसे वायु, वारुद, इस्पात और इत्यादि। चलिए मिश्रण के गुण। गुण क्या होते हैं, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। तो इसके बारे में जानते हैं, प्रॉपर्टी होता क्या है, ये किस प्रकार का होता है, या जो होता है समांग या विषमांग दोनों हो सकता है, ठीक है। पहला प्रॉपर्टीज क्या है, ये समांग और विषमांग दोनों हो सकते हैं, ठीक है। मिश्रण के दूसरा हो जाता है, मिश्रण के अवयवों को छानना, वासन, ऊर्ध्वपातन और चुंबकीय पृथक्करण आदि भौतिक विधियों द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग किया जा सकता है, ठीक है। मिश्रण के बनने में प्रायः ऊर्जा का ना तो उत्सर्जन होता है ना अवशोषण ही। मिश्रण नंबर 4 है, मिश्रण का संगठन निश्चित नहीं होता है। नंबर 5 है, मिश्रण के द्रवणांक, कोमा, क्वथनांक आदि क्या होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं। नंबर 6 का बात किया जाए, मिश्रण के बनने में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, समझ में आ रही बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिश्रण के प्रकार। ये एक तरह से मिश्रण ऐसे प्रकार होता है, दो प्रकार होते हैं, समांगी और विषमांगी, लेकिन ये जो होते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर हम जानेंगे किसको कितने भागों में बांटा गया, ठीक है। तो ठोस का मिश्रण एक होता है, जैसे एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण, ठीक है। जैसे एक और ले लेते हैं, चीनी और बालू, दोनों क्या होता है, ठोस होता है, चीनी भी ठोस है, बालू भी ठोस है, दोनों का इसलिए कह रहे हैं ठोस और ठोस का मिश्रण। दूसरा होता है हमारा ठोस द्रव का मिश्रण। दूसरा क्या होता है, ठोस द्रव का मिश्रण, जैसे एक क्या होगा ठोस होगा तो एक होगा द्रव, जैसे नमक और पानी का जो होता है वो हमारा मिश्रण आदि, ठीक है। तीसरा होता है ठोस गैस का मिश्रण, ठोस ये कटा हुआ है, ठीक है। ठोस गैस का मिश्रण, जैसे मिट्टी ठोस हुआ और वायु, ठीक है, गैस का मिश्रण। नंबर 4 द्रव गैस का मिश्रण, और द्रव और गैस का बात किया जाए तो द्रव होता है जल और हाइड्रोजन गैस है, दोनों का मिश्रण हुआ द्रव गैस का मिश्रण, जल द्रव और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण, ठीक है। नंबर 5 जो होता है टाइप्स कहा जाए तो वह होता है गैस गैस का मिश्रण। क्या होता है, गैस गैस का मिश्रण, जैसे वायु और नाइट्रोजन दोनों गैस है, इन दोनों का मिश्रण, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण, और लास्ट आता है द्रव द्रव का मिश्रण, पानी पानी जैसे होता है, ठीक है, जल और तेल दोनों द्रव होता है, दोनों का मिश्रण इत्यादि, समझ वाली बात। ये था हमारे पास इसके प्रकार। अब होता है अवयव के आधार पर मिश्रण के दो प्रकार होते हैं, किसके आधार पर, अवयव के, ठीक है, अवयव के आधार पर मिश्रण के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है समांगी मिश्रण, जिसको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो समांगी मिश्रण क्या होता है उसको हम जान लेते हैं। तो समांगी मिश्रण होता है वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में उसके अवयवी पदार्थों का संगठन एवं गुण समान होती है, समांगी मिश्रण कहलाता है। जिसे हम बोला जाए समांग रूप से क्या हो गया, मिश्रित हो गया, कोई दूसरा जो विलय था वो क्या हो गया, समान रूप से क्या हो गया, मिल गया, उसी को हम क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं, समझ में आ रही बात। चीनी और जल का मिश्रण। दूसरा होता है एग्जाम्पल ले ले तो नमक और जल का मिश्रण। ये था हमारा समांगी मिश्रण के बारे में। अब हम जानते हैं आगे विषमांगी मिश्रण। तो विषमांगी मिश्रण होता क्या है, वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में उसके अवयवी पदार्थ का संगठन एवं गुण समान नहीं होता है उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं, जैसे बालू पानी का मिश्रण इत्यादि। ये हमारा विषमांगी। विषमांगी क्या होता है कि विषमांगी मिश्रण में ये जो इसका अवयवी कण क्या होता है, मिला नहीं रहता है, ठीक है। जैसे हम देख लेते हैं बालू और पानी को देखेंगे तो अलग हो जाएगा तुरंत, समझ वाली बात, वो बालू हमें आराम से दिखने लगती है, इसका मतलब पूर्ण रूप से वह नहीं मिलता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारा जो टॉपिक आता है, ये सारे जो है एक तरह से हम बोल सकते हैं ये अशुद्ध पदार्थ है, ठीक है। तो अशुद्ध पदार्थ के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर हम पढ़ेंगे शुद्ध पदार्थ के बारे में, समझ वाली बात।
विलयन आता है, विलयन क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी विलयन कहलाता है, ठीक है। इस समांगी का प्रकार होता है, विलयन किसका प्रकार होता है, समांगी मिश्रण का प्रकार होता है। चीनी, पानी, नींबू, नमक का ये सब बना देते, क्या बन जाता है, शरबत बन जाता है, यानी विलयन कहलाता है। यही हमारा क्या कहता है, विलयन। सब में सभी का अभिकर्ण जो होता है समान रूप से क्या हो जाता है, मिश्रित हो जाता है, यानी कि मिल जाता है, इसलिए हम बोलते हैं इसको विलयन बोलते हैं। तो मिलियन में दो भाग होता है, एक मिलने वाला और एक जिसमें मिलता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं विलयन, सॉरी उसको हम बोलते हैं विलायक, तो सॉल्वेंट कहलाता है, ठीक है। जिस द्रव में किसी पदार्थ को घुलाया जाता है उस द्रव को विलायक कहते हैं, समझ वाली बात, उसको क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। और विलय क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट होता है जो द्रव, यानी जो पदार्थ द्रव में घुल कर विलयन बनाता है वह विलय कहलाता है। फिर से हम बोलते रहे, विलय क्या होता है, जो पदार्थ द्रव में घुलकर विलयन बनाता है वह विलय कहलाता है। जैसे चीनी घुल जाता है, नमक भी घुल जाता है, अमोनियम क्लोराइड भी घुल जाता है, ठीक है, ये सारे जो है विलय का एग्जांपल है। अब क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे विलयन के कुछ प्रॉपर्टी गुण क्या होता है। विलयन एक समांगी मिश्रण होता है, पहला। दूसरा, विलयन के कण का व्यास में 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, इसलिए वे आंखों से नहीं देखा जा सकता है। तीसरा, विलयन में प्रकाश के मार्ग दिखाई नहीं देता है। चौथा, विलयन अस्थाई है, क्योंकि विलयन के अवयवी अवयवों को छानकर अलग नहीं किया जा सकता है, समझ मारी बात। अब देखो विलयन के प्रकार होते हैं, संतृप्त विलयन और असंतृप्त, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो संतृप्त सॉल्यूशन क्या होता है उसको हम जानते हैं, किसी निश्चित ताप पर बना वह विलयन जिसमें विलयन की और अधिक मात्रा उस ताप पर घुलाई नहीं जा सकती है उसे उसे संतृप्त विलयन कहते हैं, समझ मारी बात। अब आता है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन क्या होता है, किसी निश्चित ताप पर बना हुआ विलयन जिसमें विलयन की और अधिक मात्रा उस ताप पर घुलाई जा सकती है उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। आगे हमारा है विलयता यानी सॉल्युबिलिटी। ये होता क्या है, एक निश्चित ताप और दाब पर 100 ग्राम विलायक में किसी विलय की घुलने वाली अधिकतम मात्रा जो विलयन को संतृप्त कर दे उस ताप और दाब पर उस विलयन की उस विलायक में विलयता कहलाती है। तो इसका एक विलय की विलयता बराबर होता है विलय की मात्रा बटा विलायक की मात्रा गुना में 100। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है जिससे में न्यूमेरिकल बनाया जाता है, बात समझ वाली बात। तो आगे की ओर बढ़ते हैं, ये भी हमारा क्या है, कुछ फॉर्मूला है जो कि हम लोग देख लेते हैं क्या है। यह है द्रव्यमान या विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुना 100, या द्रव्यमान विलयन के आयतन प्रतिशत निकालना, तो कुछ नहीं सिर्फ आयतन बदल जाएगा, ठीक है, विलय का द्रव्यमान और विलयन का आयतन गुना 100। ये फॉर्मूला है जिसे हम न्यूमेरिकल बनाएंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, ये भी मिश्रण का ही प्रकार होता है जो कि एक विसमांगी होता है, निलंबन यानी सस्पेंशन। निलंबन होता क्या है पहले वह जान लेते हैं। निलंबन एक विसमांग पदार्थ है जिसमें किसी ठोस पदार्थ के छोटे छोटे कण द्रव या गैस में घुलते नहीं बल्कि संपूर्ण द्रव या गैस में निलंबित अवस्था में रहते हैं। जैसे एक सा एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, रख लेना, कीचड़, बालू और चौक यानी खड़िया जिसको बोलते हैं, के कण जल में निलंबित अवस्था में रहते हैं। चलिए आगे इसका प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होता है। पहला, यह एक विसमांगी मिश्रण है, हम बोले थे ये क्या होता है, समांगी मिश्रण का प्रकार है, और समांगी विसमांगी ये विसमांगी का प्रकार होता है। तो यह एक विसमांगी मिश्रण है, इसके कण आंखों से देखे जा सकते हैं, ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, इसमें ठोस के कण काफी बड़े होते हैं जिन्हें नग्न आंखों से देखा जा सकता है। चौथा है, जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं। पांचवा नंबर है, इसमें निलंबित ठोस के कणों का व्यास 10^-5 cm या इससे अधिक होता है। चलिए आगे हमारा है कोलाइड। तो कोलाइड क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। कोलाइड विलयन की वह अवस्था है जिसमें
विलयन के कणों का आकार वास्तविक विलयन और निलंबन में उपस्थित कणों के आकार का मध्यवर्ती होता है, यानी बीच में होता है। बात समझ वाली बात। जैसे दूध, स्याही, रक्त, बादल, कुहासा इत्यादि। अब पढ़ लेते हैं, इत्यादि पढ़ लिए, अब आगे की ओर चलते हैं। इसके गुण, गुण कौन कौन से होते हैं, कोलाइड के प्रॉपर्टीज कौन कौन से। तो यह एक विषमांगी मिश्रण है, इसके कणों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है तथा इनके कणों का आकार 10^7 से लेकर 10^5 सेंटीमीटर के बीच होता है। तीसरा, कोलाइड के कण छन्ना पात्र को पार आर पार कर सकते हैं। कोलाइड के कण बहुत अस्थाई होते हैं, कोलाइड के टेढ़े मेढ़े मार्ग से गमन करती है, इसलिए इसे ब्राउनी गति भी कहते हैं। लास्ट है, इसके कणों में टिंडल प्रभाव देखा जाता है। कौन सा प्रभाव? टिंडल प्रभाव। याद रखना, कोलाइड में कौन सा प्रभाव, दो गति, एक होता है ब्राउनी गति दिखाई पड़ती है और एक होता है टिंडल प्रभाव होता है। समझ वाली बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव में कोलाइडी में, है ना, टिंडल प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा विलयन में दिखाई पड़ता है। चलिए आगे की ओर है, मिश्रण को अलग किस तरह से किया जा सकता है। देखिए, मिश्रण को अलग करने का बहुत सारे तरीके हैं। पहला हमारा है वाष्पीकरण विधि द्वारा, वाष्प के द्वारा। दूसरा होता है अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा, ठीक है। तीसरा होता है पृथक्करण की द्वारा। चौथा होता है ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। पांचवा है क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा। सिक्स है आसवन विधि द्वारा। सेवन है क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा। एट है छानन विधि द्वारा। नाइन है चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा। दस है फटकन विधि द्वारा। इलेवंथ है थिराना विधि द्वारा। बारह है चालन विधि द्वारा। और तेरहवा है हाथ से चुनकर। चलिए, ये था हमारा मिश्रण के बारे में, मिश्रण को हम कैसे अलग कर सकते हैं, मिश्रण के प्रकार कितने होते हैं, जो कि यह क्या था, एक अशुद्ध पदार्थ था। अब हम शुद्ध पदार्थ की ओर चलते हैं। तो शुद्ध पदार्थ में हमारा जो आता है तत्व आता है, वो तत्व क्या होता है, पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं। ये कैसा होता है, शुद्ध पदार्थ होता है, एक शुद्ध पदार्थ एलिमेंट। तत्व हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट। तो जान लेते हैं एलिमेंट होता क्या है। तत्व पदार्थ का एक शुद्ध सरलतम पदार्थ है, जो किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लोहा, चांदी आदि। तत्व की विशेषता, तत्व की क्या विशेषता है, ये चमकीले होते हैं, यह एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है, ये ताप तथा विद्युत की क्या होता है, सुचालक होता है। अब आ जाते हैं तत्व के प्रकार। जो तत्व को भी बांटा गया है वो तीन भागों में बांटा गया है, धातु, मेटल और धातु नॉन मेटल, उपधातु, मेटलॉइड्स, ठीक है। पहले हम धातु के बारे में जान लेते हैं। धातु होता क्या है, तो धातु जो होता है, धातु में चमक होती है, धातु में तन्यता होती है, धातु को पीटकर चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, धातु प्रतिध्वनि पूर्ण होती है। पांचवा, धातु विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। छठा, लोहा, चांदी, सोना, सोडियम इत्यादि धातु होते हुए भी, है ना, कुछ अपवाद को हम देख लेते हैं, पारा धातु होते हुए भी क्या है, धातु होते हुए भी कमरे के ताप पर तरल होती है। सोडियम पोटेशियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आगे अधातु, ये विभिन्न रंगों की होती है। पहला क्या है, अधातु ये विभिन्न रंगों की होती है, ये ताप और विद्युत की कुचालक होती है, ये चमकीले, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघात वर्ध्य नहीं होती है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन इत्यादि अधातुएं हैं। और एक और है ग्रेफाइट, क्या होता है, और धातु होते हुए भी विद्युत क्या होता है, सुचालक होता है। अब ध्यान देना, उपधातु, उपधातु क्या होता है, वह तत्व जिसमें धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, उपधातु कहलाते हैं, जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। समझ वाली बात, यह था धातु का प्रकार। अब हम जानते हैं यौगिक क्या होता है। यौगिक कुछ नहीं होता है, यह तत्व से ही मिलकर बना होता है, ठीक है। यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप से बनता है, जैसे CaO, ये O है ऊपर लिखा गया है, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, H2O, ठीक है, पानी होता है, CaCO3, HCl इत्यादि। अब आगे की ओर पढ़ते हैं, मिश्रण और यौगिक के प्रकार। जनरली हम लोग देखते हैं इन दोनों क्या होता है, प्रकार आ जाता है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। मिश्रण और यौगिक का
में अंतर क्या है? तो ध्यान देना है, यौगिक और मिश्रण में क्या होता है? मिश्रण क्या होता है? तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं किंतु नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। तत्व यौगिक में क्या होता है? तत्व क्रिया करके नए यौगिकों का निर्माण करते हैं। आगे दूसरा नंबर, मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। इसमें क्या होता है? यौगिक में नए पदार्थ, ये पदार्थ है, का संगठन सदैव स्थानीय होता है। तीसरा नंबर, मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों को, गुणधर्मों को दर्शाता है। और इसमें जो है नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से क्या होता है? एक नया होता है, भिन्न होता है। चौथा में मिश्रण में है, घटकों को भौतिक विधियों द्वारा आसानी से यानी सुगमता से पृथक किया जा सकता है यौगिक में, लेकिन यौगिक में क्या होता है? घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक विधियों द्वारा ही अलग किया जा सकता है, यानी पृथक किया जा सकता है। ये था हमारा मिश्रण और यौगिक में अंतर। अगला हमारा है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर। ये रासायनिक भौतिक होता क्या, पहले ये जानते हैं। भौतिक मतलब अगर कोई परिवर्तन हो रहा है ना, जो पहले था उसी अवस्था में अगर आ जा रहा है तो वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन हमेशा के लिए क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। समझ वाली बात? जो पहले चीज था यानी जो पहला अवस्था में था वो फिर उसी अवस्था में फिर नहीं आ पाता है रासायनिक परिवर्तन में। समझ वाली बात? वो हमारा रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अब भौतिक परिवर्तन होता है क्या है वो समझ लेते हैं। यह उत्क्रमणीय होता है और यह होता है अनुत्क्रमणीय होता है। इसमें नए पदार्थ नहीं बनते हैं, यानी भौतिक परिवर्तन नया पदार्थ नहीं होता, बल्कि रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं। भौतिक परिवर्तन होता है तीसरा नंबर, भौतिक परिवर्तन के दौरान बहुत कम मात्रा में उसमें अथवा प्रकाशीय ऊर्जा निकलती है और नहीं भी निकल सकती है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन के दौरान बहुत अधिक मात्रा में उसमें तथा प्रकाशीय ऊर्जा निकलती है, बहुत ज्यादा मात्रा में। समझ वाली बात? और इसका भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है बर्फ का पिघलना और इसका है लकड़ी का जलना। चलिए अब हम इसके इंटरनल क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है क्या और समझने की कोशिश करते हैं। तो ये इसका पेज नंबर 16 में है। पेज नंबर 16 में पहला क्वेश्चन है, शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं? तो हम जानते हैं वैसा पदार्थ जिसमें किसी अन्य पदार्थ की मिलावट नहीं होती उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जो कि इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, एक ही प्रकार के क्या होता है, तत्वों से मिलकर बना होता है उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं, या एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होता है, परमाणु से मिलकर बना होता है, जैसे सोना चांदी ऑक्सीजन लोहा इत्यादि। इसमें एकदम शुद्ध लोहा है तो लोहा रहेगा, चांदी है तो चांदी रहेगा। ठीक है, चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन है, समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर बताएं। तो क्या होता है समांगी मिश्रण? क्या होता है वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में उसके अवयवी पदार्थ का संगठन एवं गुण समान होता है उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। विषमांगी मिश्रण क्या होता है? वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में उसके अवयवी पदार्थों का संगठन एवं गुण समान नहीं होते हैं उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। देखो ये क्वेश्चन हमारा पेज नंबर 16 में भी था, 16 ही था ना, हाँ पेज नंबर 16 ही था, और ये पेज नंबर 20 का भी पहला क्वेश्चन है। ये 20 समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर, ये पेज नंबर 20 का फर्स्ट क्वेश्चन है, दोनों सेम था, इस वजह से हम इसको छोड़ रहे हैं, छोड़ क्या हो गया है। दूसरा क्वेश्चन है, विलयन, निलंबन और कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, यानी कि एक प्रकार से किस प्रकार से भिन्न है, इसका अंतर बताना है। तो हमें क्या है ना, दोनों में अंतर बता देंगे। यह विषमांगी मिश्रण होता है, सॉरी विलयन क्या होता है, ये विषमांगी होता है, निलंबन क्या होता है, ये विषमांगी होते हैं, और कोलाइड भी क्या होता है, ये विषमांगी होते हैं। विलयन जो होता है फिल्टर पेपर से गुजर जाते हैं, निलंबन क्या होता है, ये फिल्टर पेपर से नहीं गुजरते हैं, ये फिल्टर पेपर से पूर्णता नहीं निकल पाते हैं। तीसरा, इसके कणों का आकार 10^9 सेंटीमीटर तक होता है, इसके कणों का आकार 10^5 सेंटीमीटर, सॉरी -5 सेंटीमीटर तक होता है, और इसके कणों का आकार 10^-7 सेंटीमीटर से लेकर 10^-5 सेंटीमीटर के बीच होता है। ये था हमारा तीनों अंतर। ज्यादा विशेष करना है तो हम जो थ्योरी में दिए है, विलयन, निलंबन और कोलाइड, तीनों का जो है तीनों का परिभाषा लिख देना है, तीनों का जो प्रॉपर्टी लिखा है अलग अलग, वो तीनों लिख दोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन है, एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर घोला जाता है, इस तापमान पर इसकी सांद्रता प्राप्त हो करे, सांद्रता प्राप्त करे, ये क्वेश्चन था। तो देखो इसमें कितना मात्रा दे रखा है, यानी जो विलय है, विलायक कौन है, हम जानते हैं विलय कौन होता है, सोडियम क्लोराइड विलय होता है और पानी में घुलेगा, तो 100 मान लिए, ये क्या है, अच्छा 100 दे रखा है जल, 100 ग्राम जल है और ये क्या है 36 ग्राम, तो विलयन कितना हो गया, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये विलयन हो जाएगा, क्योंकि हमको विलयन का परसेंटेज निकालना है, तो ये विलयन हो गया, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला ये हमारे पास है। ठीक है, तो विलयन का द्रव्यमान क्या आता है, विलयन का द्रव्यमान हमारे पास दिया हुआ है
सॉरी विलय, विलय का द्रव्यमान हमारे पास दिया हुआ है 36 ग्राम, और हमारे पास जो है विलयन का द्रव्यमान यानी कि दोनों मिला के जितना आया 136 और गुना 100, जब इसको सॉल्व किए तो कितना आ गया 26.47%। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, पेज नंबर 26 के पेज नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पेट्रोल और मिट्टी का तेल जो कि आपस में घुलनशील है के मिश्रण को आप कैसे पृथक करेंगे। पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल के अवयव पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल के क्वथनांकों में 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अंतराल है, ये हमारा क्या है क्वेश्चन है। तो पेट्रोल और मिट्टी के तेल के मिश्रण को प्रवाजी आसवन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, समझ में आ रही बात, ये हमारा आंसर है। तो पृथक करने की सामान्य विधियों के नाम दे, तो कह रहा है सामान्य विधियों के नाम दे, दही से मक्खन बनना, दही से मक्खन बनना तो इसका आंसर हो जाएगा अपकेंद्रण विधि द्वारा, समुद्र जल से नमक को अलग करना ये इसका आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण विधि द्वारा, और नमक से कपूर को अलग करना ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। अगला है क्रिस्टलीकरण विधि से किस प्रकार के मिश्रणों को पृथक किया जा सकता है, यह क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जा सकता है, ठीक है। उदाहरण जैसे उदाहरण में है समुद्री जल से प्राप्त नमक में बहुत सी अशुद्धियां होती है जिन्हें दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। चलिए अब पेज नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन है निम्न को रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में वर्गीकृत करें, ठीक है। तो डायरेक्ट इसमें आंसर ही साथ ही साथ हम लिख दिए, पैरों को काटना भौतिक परिवर्तन होता है, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना भौतिक परिवर्तन, अलमारी में जम लगना रासायनिक परिवर्तन, जल का उबल कर वाष्प बनना भौतिक परिवर्तन होता है, विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना रासायनिक परिवर्तन होता है। 6 नंबर में बोल रहा है जल में साधारण नमक का घुलना ये होता है भौतिक परिवर्तन, फलों से सलाद बनाना भौतिक परिवर्तन होता है, लकड़ी और कागज का जलना ये भी क्या होता है भौतिक परिवर्तन होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है अपने आसपास के चीजों का शुद्ध पदार्थों या मिश्रण से अलग करने का प्रयत्न करें, शुद्ध पदार्थ, अच्छा चलो शुद्ध आंसर हो जाएगा, शुद्ध पदार्थ को हम क्या करेंगे सोना चांदी ऑक्सीजन लोहा ये सब हमारे पास क्या आसपास क्या दिखते हैं शुद्ध पदार्थ है, तो मिश्रण को क्या करेंगे नल का जल दूध स्टील नमक का घोल पीतल ये सब हमारे क्या पास आसपास हमारे पास नजर आता है नजर जो आते हुए सब मिश्रण है। चलिए पेज नंबर 30 अभ्यास है, निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे, पहला है सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने में, तो हम क्या करेंगे इसमें सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। चलिए बी नंबर है अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने में, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा, ठीक है। चलिए सी नंबर धातु के छोटे छोटे टुकड़े को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने में, तो हम क्या करेंगे छानन विधि द्वारा अलग कर लेंगे। अगला है दही से मक्खन निकालने के लिए अपकेंद्रण विधि द्वारा करेंगे आंसर। ई है जल से तेल निकालने के लिए, तो जल से तेल निकालने के लिए पृथककरण कीप द्वारा हम अलग करेंगे इसका आंसर हो जाएगा। अगला है चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करने में, तो हम जानते हैं ये छान के हम सब दिन करते हैं घर पर भी है ना छानन विधि द्वारा। बालू से लोहे की पीनों को पृथक करने में, तो हम जानते हैं चुंबकीय करण विधि द्वारा हम क्या करेंगे इसको अलग करेंगे। अगला है भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करने में पटकन विधि द्वारा करेंगे। पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कण को पानी से अलग करने के लिए हम क्या करेंगे भारण करेंगे या क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा करेंगे, दोनों में से कोई कर सकते हैं। अगला है पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करने में, तो किसका उपयोग करेंगे क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा।
अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर दो है, चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे? विलयन, कोमा विलायक, विलय घुलना, घुलनशील और घुलनशील, विलय तथा अवशेष शुद्ध का प्रयोग। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चाय बनाने के लिए सबसे पहले एक पात्र में एक कप पानी विलयन के रूप में लीजिए। दूसरा है इसमें चीनी डालिए जो एक विलय पदार्थ है। तीसरा आपको चीनी तथा जल का विलयन प्राप्त होगा क्योंकि चीनी जल में घुलनशील है। चौथा आप इसमें एक या आधा चम्मच चाय की पत्ती डालिए जो जल में एक क्या है घुलन और घुलनशील विलय है तथा उसे उबालिए। पांचवा इसमें एक कप दूध डालकर 5 मिनट तक उबालिए। छठा अब एक छननी से इसे छानिए। आपको चाय विलय तथा चाय की पत्ती छननी के ऊपर अवशेष के रूप में प्राप्त होगा। ये चाय है ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीन में ये हमारे पास एक टेबल दे रखा है विलय और ये तापमान है केल्विन में पोटेशियम नाइट्रेट का जो कि 273, 293, 313, 333 और 315 है। तो ये सभी को हमें क्या करना है बताना है ठीक है। कह रहा है नंबर एक 50 ग्राम जल में 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन को प्राप्त करने हेतु कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी। ध्यान से देखिए पोटेशियम नाइट्रेट कहाँ है, पोटेशियम नाइट्रेट ये रहा पोटेशियम नाइट्रेट और 313 केल्विन पर जाना है। ध्यान देना है किस पर, 313 केल्विन, ये रहा 313 केल्विन और 50 ग्राम पोटेशियम है ना। तो ये रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा तालिका के अनुसार 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन को प्राप्त करने के लिए 31 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी। कितना ग्राम, 31 ग्राम। बी नंबर है प्रज्ञा 553 केल्विन पर पोटेशियम क्लोराइड का एक संतृप्त विलयन तैयार करती है और विलयन को कमरे के तापमान पर ठंडा होने के लिए छोड़ देती है। जब विलयन ठंडा होगा तो वह क्या अवकलित करेगी, स्पष्ट करे ठीक है। तो हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड विलयन को ठंडा करने पर पोटेशियम क्लोराइड नीचे इकट्ठा हो जाता है। कम ताप में विलयन की अघुलनशीलता कम होती है। सी है 293 केल्विन पर प्रत्येक लवण की अघुलनशीलता का परिकलन करें। इस तापमान पर कौन सा लवण सबसे अधिक घुलनशील होगा? तो 273 केल्विन पर अमोनियम क्लोराइड सबसे अधिक घुलनशील होगा। ताप अगला है डी नंबर, इसी को देखते हुए तापमान में परिवर्तन से लवण की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर जाएगा अलग अलग तापमान पर लवण की घुलनशीलता घटती बढ़ती रहती है। किसी निश्चित ताप पर उतनी ही विलयन पदार्थ घुल सकता है जितनी की विलयन की क्षमता होती है। अगला हमारा प्रश्न है चौथा है, निम्न की उदाहरण सहित व्याख्या करें। तो संतृप्त विलयन क्या होता है, कोलाइड क्या होता है, शुद्ध पदार्थ क्या होता है, निलंबन क्या होता है। तो ध्यान से देखो हमने ये सारे आपको लिखा रखे हैं, वही चीज है ठीक है। संतृप्त विलयन कहता है किसी निश्चित ताप पर बना हुआ विलयन जिसमें विलय की और अधिक मात्रा उस ताप पर नहीं घुलाई जा सकती उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। अशुद्ध पदार्थ क्या होता है, वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। शुद्ध पदार्थ क्या होता है, वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अगला है जैसे लोहा, कैल्शियम ऑक्साइड पर इत्यादि। कोलाइड क्या होता है, कोलाइड एक विषमांगी पदार्थ है जिसमें विलयन के कणों का आकार वास्तविक विलयन के कणों का आकार और निलंबन में उपस्थित कणों के आकार का मध्यवर्ती होता है। जैसे हो गया दूध, स्याही, रक्त, कुहासा, बादल। निलंबन क्या होता है, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण पदार्थ है जिसमें ठोस पदार्थ के छोटे छोटे कण द्रव या गैस में घुलनशील नहीं है बल्कि संपूर्ण द्रव या गैस में निलंबित अवस्था में रहते हैं जैसे कीचड़, बालू, चौक इत्यादि।
फाइव नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को समांगी और विषमांगी मिश्रणों में वर्गीकृत करें। सोडा जल लकड़ी बर्फ वायु मिट्टी सिरका छनी हुई चाय। तो समांगी मिश्रण हो जाएगा सोडा जल वायु सिरका छनी हुई चाय, और विषमांगी हो जाएगा लकड़ी बर्फ और मिट्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स है, आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव्य शुद्ध जल है। तो आंसर हो जाएगा शुद्ध जल स्वाधीन होता है तथा शुद्ध जल के हिमांक और क्वथनांक निश्चित होते हैं। यदि दिए हुए द्रव का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है तो यह शुद्ध जल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ है। बर्फ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ईंट दूध कैल्शियम ऑक्साइड लकड़ी लोहा पारा वायु। इसमें से हमको बताना है कौन सा शुद्ध पदार्थ है। तो लोहा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कैल्शियम ऑक्साइड ये सारे क्या है शुद्ध पदार्थ है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। तो मिट्टी वायु सोडा जल समुद्री जल कोयला। इसमें से हमको क्या करना, विलयन कौन सा समुद्री जल वायु सोडा जल ये सारे के सारे क्या है विलयन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विलयन में से कौन टिंडल प्रवाह को प्रदर्शित करेगा। तो नमक का घोल कॉपर सल्फेट का विलयन दूध स्टार्च विलयन। तो इसका आंसर हो जाएगा दूध और स्टार्च विलयन में क्या होगा क्योंकि ये क्या है कोलाइड है। चलिए आगे हमारा है 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित को तत्व यौगिक तथा मिश्रण में वर्गीकृत करें। तो हम इस ये हमारा क्वेश्चन है इसको हम देख लेते हैं। तो तत्व में हो जाएगा सोडियम टीन सिलिकन, यौगिक में हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, और मिश्रण में हो जाएगा मिट्टी चीनी का घोल कोयला साबुन और रक्त। ठीक है 11 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। तो ध्यान देना है पौधे की वृद्धि, तो पौधे की वृद्धि क्या है एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना यह भी रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। लोहे के चूर्ण तथा बालू को मिलाना यह क्या हो जाएगा भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। खाना पकाना, तो खाना पकाना एक क्या हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। भोजन का पचना यह भी रासायनिक परिवर्तन होगा, और मोमबत्ती का जलना ये दोनों में रख सकते लेकिन हम क्या रखेंगे रासायनिक परिवर्तन होगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही, चलिए नेक्स्ट वीडियो शायद आगे की ओर लेकर फिर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।